जय गुरु देवरी सा। हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बस अभी मैं थी टेरिस पे और अब आ चुकी हूँ नीचे। मतलब कपड़ों का बहुत अभी काम मुश्किल होता है, इतना इधर से उधर एडजस्ट करना पड़ता है, उसमें ही बहुत ज़्यादा मेरा टाइम चला जाता है। और अभी बच चुके हैं 10, तो बस अभी कपड़े सूखा के नीचे आई और बच्चे स्कूल चले गए, तो अब करेंगे लंच की तैयारी। और आज घर में है किसी का बर्थडे, और किसका बर्थडे है वो मैं उनको विश करूंगी तब आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग पूरा ब्लॉग देखें, हमारे ब्लॉग के एंड तक बने रहें। मांगने लगे मैंने तो बस, अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी करना, शेयर करना और पूरा पूरा ज़रूर देखना। और चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी करना। तो बस नीचे जाते हैं और करते हैं लंच की तैयारी। पहले मांग भर लेती हूँ। तो बस हम चलते हैं नीचे। फाइनली हम लोग कर रहे हैं अब लंच की तैयारी, नाश्ता सबका हो चुका है। तो बस यहाँ पे मैं लगा रही हूँ रोटी के लिए आटा, और मासी एज यूजली बना रही है सब्जी। तो सब्जी में मासी बना रही है राबोड़ी की सब्जी, राजस्थानी सब्जी बना रही है मासी, और साथ में थोड़ी सी गंवारफली जो मम्मी ने काट दी थी तो उसकी तो बना के रख दी है। बस अब मासी ये राबोड़ी की सब्जी बना रही है। तो कढ़ी बना दी और चावल बनाना भी थोड़े से बाकी है, क्योंकि बच्चों के चावल बनाने ही पड़ते हैं, वो रहते नहीं है बिना चावल के। तो यहाँ पर रोटी के लिए मैं फटाफट से आटा लगा रही हूँ, और साथ में टीवी में जो कथा है वो भी चल रही है, तो बस शिव पुराण भी सुनते जा रहे हैं और किचन में लंच की तैयारी भी करते जा रहे हैं। ये आटा लगाने के बाद में मैं लगाऊंगी आज नहीं, मैं हमेशा ही लगाती हूँ, मतलब जौ का आटा, जो जौ आते हैं वो भी हमने पिसवा रखे हैं। तो थोड़ा सा ये देखिए, इस डब्बे में हमारे जौ का आटा है, तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा जौ का आटा लेती हूँ और थोड़ा सा गेहूँ का आटा इसमें मिक्स करती हूँ, और दोनों मिक्स करके फिर मैं इसका आटा लगाती हूँ और फिर इसकी रोटी बनाते हैं। तो जिसको पसंद आती है वो रोटी ये खाते हैं, तो मम्मी को भी पसंद आती है तो मम्मी भी खाते हैं, जैसे हर्षित बना इन सबको अच्छी लगती है। और ये रोटी वैसे हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और शुगर वालों के लिए भी तो बहुत अच्छी होती है। तो बस ये आटा भी मेरा लग चुका है, तो यहाँ पे देखिए ये आटा मैंने लगा दिया और ये राजौ का इतना सा आटा। खाली रोटी सिकने में टाइम ज़्यादा लेती है, तो बस यहाँ पे मासी की सब्जी में भी आ चुका है उबाल, तो यहाँ पे मासी ने भी राबोड़ी ऐड कर दी। तो यहाँ पे फाइनली हमारा मतलब लगभग लंच भी बन के हो चुका है रेडी। तो सबका लंच हो चुका है और मेरे आज फास्ट है, तो यहाँ पे मेरे लिए बनाई है साबूदाने की खिचड़ी और साथ में थोड़ी सी लस्सी, तो मैं खा लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे चालू हो चुकी है जबरदस्त जोरदार बारिश, पानी नहीं मतलब इतना पानी गिर रहा है अभी। और यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश को देखते हुए यहाँ हमारे किसु वैसा का मन हो रहा है कि मैं इस बारिश में नहा लूँ, है ना किसु? है किसु? किसु स्कूल से आई और अभी बारिश चालू हुई इतनी जगह, तो किसु देख इतना पानी है वहाँ पे, तो देख ओहो बाहर आ रही है बहुत ही तेज़ बारिश। और आज मेरे थी 11, तो मैंने अभी सेगार किया जस्ट, और मैंने बताया था आज हमारे घर में है किसी का बर्थडे, तो मैं बताना ही भूल गई कि किसका बर्थडे है। तो अभी मैं बता देती हूँ किसका बर्थडे है। मेरे बच्चों के सुपर हीरो मम्मी पापा के लाडले बेटे और मेरे जीवन साथी का बर्थडे। मैंने तो आपको हैप्पी बर्थडे बोल दिया, अब जो हमारी मेरी यूट्यूब फैमिली है उनकी तरफ से भी आपको हैप्पी बर्थडे और बर्थडे पार्टी। हमने इनको बोला बर्थडे पार्टी, तो बच्चे कब से कह रहे बहुत तेज बारिश आ रही है तो बाढ़ आ गई इसलिए पार्टी कैंसिल कर रहे हैं शाम को, और शाम तक पूरा पानी पानी हो गया। तो यहाँ पे अभी हमारी बातें चल रही थी और किसु ने मुझे कहा कि मम्मी आज पापा का है बर्थडे, तो पापा का बर्थडे, तो आप पापा को क्या गिफ्ट देने वाले हो? मैंने कहा किसु से इनको गुजराती खाना बहुत ही पसंद है क्योंकि इनका टेस्ट है गुजराती, तो हम लोग तेरे पापा का फेवरेट आज कुछ बना देंगे, तो वो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है पता है। तो हमारी तरफ से कोई गिफ्ट होगा आपका फेवरेट बनाना, ठीक है? तो अभी रेस्ट कर ले फिर बनाएंगे शाम को, किसु दे दिया ना गिफ्ट। Thank you.
कुकर की बज चुकी है सीटी और हम लोग आ गए हमारी ऑन ड्यूटी, मतलब हमारा आज की ड्यूटी है बर्थडे स्पेशल कुछ बनाना जो किसु के पापा को पसंद हो और गुजराती आइटम हो। तो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं फर्स्ट पहले बासुंदी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे दूध लिया और कम से कम इस दूध को 1-2 घंटे तक हम अच्छे से रड़ा लेंगे, मतलब इसको उबाल लेंगे। तो बस यहाँ पे दूध हो रहा है गर्म, फुल उबल रहा है दूध भी। जब मैं हमने इसको तपेले में ऐड किया था सब फुल भरा हुआ था और ये देखो अब उबल उबल के थोड़ा सा इतना हो गया। तो बस इसको अच्छे से हिलाते रहना है। टाइम ज़्यादा लगता है पर चीज़ बहुत ही अच्छी होती है। तो बस जैसे हमारे घर में सबको पसंद आती है उसी क्वांटिटी के हिसाब से हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे दूध को उबालते उबालते दूध की क्वांटिटी हो गई है इतनी, ये देखिए गाढ़ा भी होने लग गया। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा इस कटोरी में हमने गर्म दूध लिया और अब इस दूध में हम ऐड करेंगे ये केसर। तो बस केसर ऐड करने के बाद में दूध में अच्छे से मिक्स कर दी और अब जो ये कटोरी वाला दूध है वो इस सारे दूध में हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये भी ऐड कर दिया और वापस से हिलाते रहेंगे। तो बस अब इसमें सारे ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं क्योंकि दूध उबल कर इतना हो चुका है। अगर किसी को ज़्यादा गाढ़ा पसंद आता है तो वो ज़्यादा इसको गाढ़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इलायची ऐड करेंगे और इलायची थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा ही रखी क्योंकि अच्छी आती है सुगंध से और टेस्ट भी अच्छा था। तो यहाँ पे हमने काजू ऐड किए, पतले पतले काट लिए और यहाँ पे हमने पतली पतली बादाम भी काट के ऐड कर दी। पिस्ता अवेलेबल नहीं थे इसलिए हमने इसमें पिस्ता ऐड नहीं किया, बाकी पिस्ता से भी बहुत ही टेस्टी लगता है ये बासुंदी। तो यहाँ पे लास्ट में मिक्स करने के बाद में शक्कर ऐड कर देंगे और शक्कर ऐड करने के बाद में इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे क्योंकि फिर इसको रखना है फ्रीज में। तो बस जो कुकर की सीटी बजी थी उसमें हमने उबाले थे आलू। तो बासुंदी तो हमने बना के रख दी ठंडी होने के लिए, तो यहाँ पे आलू उबल गए, इनको छील लिया और यहाँ पे हमने इनको मैश भी कर लिया। तो नेक्स्ट प्रोसेस में अब यहाँ पे आलू में सारे मसाले ऐड करेंगे क्योंकि हम लोग बनाने वाले हैं बटाका वड़ा, मतलब आलू वड़ा और गुजराती में इसे बटाका वड़ा बोलते हैं। तो इसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले, इसकी रेसिपी मैंने आगे शेयर की हुई लेकिन फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पे हमने डाले थी सूप और पीसे हुए मूंगफली के दाने, थोड़े से तिल और यहाँ पे गरम मसाला और नारियल सूखा छीना, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, पिसा हुआ जीरा और थोड़ा सा ऑयल, ये सब इसमें हमने मसाले डाले। इसका टेस्ट खट्टा मीठा होता है। तो बस इसमें हम डालेंगे अब तेल डालने के बाद में यहाँ पे हमने नमक डाला, थोड़ी सी हींग डाली और हरा धनिया काट के डाल दिया। इसके बाद में यहाँ पे हमने हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट ऐड की और एक नींबू निचोड़ दिया अंदर और शक्कर भी डाल दी। तो बस इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मिक्स करने के बाद में मसाले का बड़ा बनाने का मसाला हो गया रेडी। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हमने यहाँ पे बेसन लिया, बेसन में थोड़ी सी हल्दी ऐड की, हल्दी ऐड करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया और यहाँ पे थोड़ी सी अजवाइन ऐड की और यहाँ पे नमक ऐड कर दिया और पानी ऐड करके इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इस तरीके से मिक्स किया। ये तो हम हमारे घर में कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सबकी बनाने की प्रोसेस भी अलग होती है और सब अलग अलग बनाते हैं। तो बस यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ये देखिए इस तरीके से इसको मिक्स करते रहना है जब तक पूरा पानी में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए। और बस मिक्स करने के बाद में यहाँ पे हमने थोड़ा सा सोडा ऐड किया और ये गरम तेल 2 टेबल स्पून, थोड़ा पानी डाला, वापस से मिक्स कर लिया और अब इसकी क्वांटिटी हमने ऐसी रखी है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस में चढ़ा दिया तेल, तेल भी गर्म हो गया। तब तक ये देखिए यहाँ पे मैंने जो मसाला है आलू का तो उसको मैंने दोनों हाथों पे लगाया तेल, और तेल लगाने के बाद में बस थोड़ा थोड़ा सा मसाला लेके इसके लड्डू आकार के छोटे से गोल गोल गोली बनानी है। तो बस ये बड़ा बनाना, मतलब मैं ये इतना समय ने लिया और इसका मैं यहाँ पे बड़ा बना दूँगी, सारे आलू के वड़ा जिसे बटाका वड़ा भी बोलते हैं। तो बस अब मैं यही कर रही हूँ, यहाँ पे पहले सारे बना के रख लेते हैं फिर ही उसको बेसन में डीप करके तेल में फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं बस आलू के मसाले के सारे बड़े बना लूँगी और मासी इनको बेसन में डीप करके फ्राई कर लेगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरीके से बनाए, तो ये मैं बना के इस डिश में रखती जा रही हूँ और मासी ने एक बड़ा उठाया और बेसन में डीप किया और ये गया तेल में। इसी प्रकार ये जो सारे बड़े हमने आलू के मसाले के बनाए हैं ये छोटे बड़े बनते रहते हैं, कोई छोटा भी हो जाता है कोई बड़ा भी हो जाता है। तो बस ये सारे ऐसे तेल में गए और
गैस की आँच को मीडियम रखना है क्योंकि फास्ट होता है तो जल जाते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे बटाकर बड़े को फ्राई कर लेंगे बेसन में डीप कर कर के। और वाव कितने अच्छे लग रहे बटाके, बड़े भी फ्राई हो गए तेल में और खाने के लिए हो चुके हैं तैयार। ये भी किसू के पापा का फेवरेट है, उनको बहुत पसंद आता है, तो हमने आज उनके ही सारे फेवरेट बनाए, बासुंदी और बटाका वड़ा। मतलब तीखे में हो गए बटाका वड़ा और मीठे में हो गई बासुंदी। तो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म बटाका वड़ा बन के हो गए रेडी, और साथ में तीखा खाना हो तो हरी मिर्ची भी। यहाँ पे यूवी कर रहा है पढ़ाई, क्योंकि ये यूवी का होता है पढ़ाई करने का टाइम। बटाका वड़ा तूने खा लिए? आज तेरे पापा के बर्थडे के स्पेशल बने थे। बासुंदी खाना भी बाकी है ना, वो फ्रीज में ठंडी हो रही है। कैसा लगे यूवी? मैं खा नहीं सकती इसलिए पूछ रही हूँ तुझे। अच्छा लगे? और यहाँ पे हमारे सृष्टि भाई सा एज यूजुअली झूला भी खा रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये इसकी फिक्स जगह है, सृष्टि की जगह है यहाँ पे बाहर, जहाँ ये इस एरिया में ये झूले पे बैठ के पढ़ाई करती है ना सृष्टि। और हमारे ये रहे मासी जी, जो आज बटाका वड़ा का काम पूरा हो चुका है, बासुंदी फ्रीज में पड़ी है और यहाँ पे मासी बना रही है दाल और मैंने आटा लगा के रखा। मासी आज तेरे लाडले देवरसा का बर्थडे है तो मासी उनको तो दाल पसंद ही नहीं आती है बिल्कुल भी। बट हेल्थ के लिए अच्छी होती है इसलिए बारिश के मौसम में यही खानी चाहिए ना। और ये अभी राजस्थान की दाल है ना, इसलिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। ये रही बासुंदी, इसको अभी फ्रीज में रखा हुआ ठंडा होने के लिए। फाइनली सबका डिनर वगैरह हो गया, तो अब बारी आती है बासुंदी की। तो मासी यहाँ पे मुझे दे रही है और मैं बना रही हूँ वीडियो। ये जो होता है इसको, इस दूध में अगर अंगूर ला के डाल दे तो ये अंगूर रबड़ी भी बन जाती है, तो बच्चों को अंगूर रबड़ी बहुत पसंद है। तो कल मार्केट से अंगूर मंगवा के इसकी रबड़ी भी बना देंगे। मम्मी लगे हुए फ़ोन में और मैं पी लेती हूँ मेरी बासुंदी। तो यहाँ पे मैंने किसू को भी दे दी। तो बस इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।